जनाब ये कंटिन्यूएशन है जी पिछले जो मैंने आपको ये ब्लॉक है प्लॉट दिखाया स्ट्रीट जनाब ये बनती है एग्जैक्टली 14D बनती है। 14D से मैं क्योंकि इसको सर्च करता हुआ मैप से आया था फर्स्ट टाइम आया हूँ अंदर गलियों से आया था। बहरहाल हम इसकी एक्सेस को समझते हैं। B17 के अंदर जो गलियाँ हैं अंदर वाली भी बहुत ज़्यादा अगर वो भी मेन रोड से इतनी दूर नहीं होती आप उसको देख सकते हैं मैप पर भी। हम यहाँ से लेफ्ट पे निकलेंगे 14D से जी। इधर घर लगा पड़ा हुआ है यहाँ पे और ठीक है ना अगर यहाँ से आप इसको देखते हैं ना प्लॉट को आपको स्लोप नज़र आएगा वाटर चैनल है और आपके सामने है ना ये साथ ये गली है जी। और ये जनाब इसकी मेन रोड आ जाती है तो एक्सेस मैंने आपको जी इसकी थोड़ी समझा दी भी है तो इसमें जी कोई इतना ज़्यादा मुझे इसमें रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई मसले वाली चीज़ है। मेन जी स्ट्रीट नंबर 13 की एक्सेस है तो हम जी 14D का मैंने शायद आपको बताया था प्लॉट है तो हम जी इसको देख सकते हैं। लेफ्ट और राइट साइड पर मेन रोड जा रही है और सामने जनाब ये कोई किसी ने अपना एरिया मार्क किया डोंट नो क्या है मैप से हम देख लेंगे बाद में। घरों की तादाद जनाब इसके आसपास थोड़ा दो मिनट में आपको गाड़ी भी घुमा के चेक करा देता हूँ ताकि जी आपको डिसीजन लेने में जी इजी हो जाए। अच्छा भराई वाला अगर आप करते भी हैं तो देखें लोग भागते हैं इस चीज़ से कि जी भराई वाला होगा या चलें बेसमेंट डाल दिए तो ठीक है भराई वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। आपको डिप्रेशन में जी बेसमेंट आ गई तो आपके सारे जो परेशानी या खदशात वो ख़त्म हो जाते हैं। अब जी भराई वाले में लोग जो है ना वो घबराते हैं कि जो मट्टी बैठती है बिल्कुल जी बैठती है अगर आपने सही काम नहीं करवाया तो बिल्कुल बैठेगी जिसको बैठना भी चाहिए ठीक है। फिर लोग ये भी कहते हैं कि जनाब उसकी रीसेल नहीं होती है प्लॉट लेके भी बैठ जाए जनाब मैं भी आया हूँ किसी के प्लॉट पे आगे से आगे बिके जा रहा है तो 82 लाख इसकी डिमांड हो रही है ठीक है। आप जब शुरू में आपने सस्ता लिया है तो आपको उससे एक एवरेज या एक रेशो के हिसाब से आपको उसका इंक्रीज मिलेगा। बहरहाल आगे चलते हैं। अगली बात जो है आपने जी सॉइल टेस्टिंग करवा लेनी है इसकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं सब कुछ ऐसे करके घर बनाते हैं तो आपको जी एक बड़ा अच्छा माहौल मिल जाएगा। एक एक्स्ट्रा लैंड तो इन्जॉय करने वाली चीज़ होती है उसमें जब भी आप सुबह उठ के देखें चले जी मेरे प्लॉट के साथ जी नाल का प्लॉट तो था ही माशाल्लाह से एक्स्ट्रा लैंड भी आ गई है तो आप अच्छी सॉइल टेस्टिंग देखें उसकी रिपोर्ट का आप स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाने में यूज़ करें अच्छे इंजीनियर से मिलें तो ना लोग तो पता नहीं कहा पानी के ऊपर प्लाजा बना के बेच रहे हैं पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा कल्चर नाले बंद कर दिए जी यूनिवर्सिटियों ने कैंपस बना लिए नालों के ऊपर जाके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उधर ना तो कोई क्रैक आता ना वो बैठ जाए क्यों क्योंकि जी वो अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई भी होती है ना। अच्छा आप आस पास अब आपने देख लिया है क्या लोकेशन थी ये सामने जिसका मरकज़ आ जाता है मेन मरकज तो ये जिसकी छोटी सी ड्राइव मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दी हुई है और अगर आपने देखें तो ये बापूर अपना वास रोड ये बनती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस रोड के ऊपर ये आ जाता है तो जनाब इसको आप कंसिडर करें जी अगर आप लोगों का माइंड बनता है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जनाब। अब बहुत सारे लोगों के जो कंसर्न्स होते हैं उनके बिल्कुल जो कंसर्न्स हैं आप उसको सामने रख कर नहीं आप ऑप्ट करते हैं तो कोई मसला नहीं है अगर आप कर लेते हैं तो जनाब नॉट अ बैड चॉइस एट ऑल। लेकिन आप बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम।